चीन ने जिस कोविड का निर्माण किया, क्या वही कोविड अब उसके लिए घातक बन गया है? क्या चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को कोरोना हो गया है? क्या कोरोना फैलाने की साजिश रचने वाले जिनपिंग खुद हो गए हैं कोरोना के शिकार? ये तमाम सवाल इसलिए जरूरी हैं क्योंकि चीन से बेहद अहम तस्वीरें सामने आई हैं। उन तस्वीरों के जरिए ऐसा लग रहा है कि चीन के राष्ट्रपति कोरोना के शिकार हो गए हैं। अब पूरी घटना जरा विस्तार से समझिए। हांगकांग के करीब शेजन में चीनी राष्ट्रपति का एक संबोधन होना था। शुरू में ये संबोधन तो ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे भाषण आगे बढ़ा, जिनपिंग के हाव भाव बदलते नजर आए। भाषण के आखिरी मिनटों में वो खूब खांसते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि खांसी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें अपने भाषण को थोड़े देर के लिए रोकना भी पड़ गया। जाहिर है ये कोई सामान्य घटना नहीं है, और हाँ, ना ही ये खांसी सामान्य थी, क्योंकि आमतौर पर खांसी आने के बाद पानी पीने से वो ठीक हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीनी राष्ट्रपति के कोविड के चपेट में आने की अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि वो हाल के दिनों में कई जगहों का दौरा कर चुके हैं। वो अपनी सेना के बीच भी जा चुके हैं और कई अलग अलग लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, जिससे कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे चीन की सरकारी मीडिया, जो सरकार के हिसाब से ही लिखती और बोलती है, वो इस घटना को लेकर चुप्पी साधे है। उसने जिनपिंग के सेहत पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन भाषण के दौरान जो हुआ वो शक करने के लिए काफी है। सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी पर जिनपिंग के भाषण का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। जब उन्हें खांसी आने लगी तो टीवी चैनल बार बार उनकी खांसी वाले विजुअल को काटना शुरू कर देता है। हालांकि इस दौरान ऑडियो के जरिए उनके खांसने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। एक ऐसा विजुअल भी दिखाई दिया जिसमें शी जिनपिंग अपने मुंह पर हाथ रखे हुए थे। वैसे तो चीन हर चीज छिपाने में माहिर है, ऐसे में इस बात की उम्मीद तो बहुत ही कम है कि वो जिनपिंग की सेहत को लेकर कोई जानकारी देगा। चीन में हर रोज कोरोना के कुछ मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन चीन ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जानकारों का कहना है कि चीन वास्तविक आंकड़े जारी नहीं कर रहा, इससे चीन की वास्तविक स्थिति का पता लगाना मुश्किल है। हालांकि भारत तक भी किसी तरह का कोई दावा नहीं कर रहा। हम उन तस्वीरों का विश्लेषण कर रहे हैं जो तस्वीरें सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।